अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे और सबसे बढ़कर हेल्दी। मैं हूँ सोहा शर्जी, लेकर हेल्थ एक्सपर्ट। और आज का जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन है। वो सुपर फूड है आंवला। आंवला के बारे में तकरीबन हम सभी जानते हैं और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो है, इसको शामिल किया जाता है। सब इसके टॉपिकल एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसको खाने के क्या फ़ायदे हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो आज मैं बात करूंगी कि इस आंवले के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मौजूद हैं और इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फाइट करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। आंवला के अंदर विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर आ जाता है विटामिन सी। इसके अंदर 20 टाइम्स ऑरेंज से ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। इसके अंदर विटामिन ए मौजूद है, पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड्स। इसके अंदर होता है एंटी ग्लाइसेमिक एक्शन और इसके अंदर पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स। इसके अंदर 2 times ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ग्रीन टी। इसके अंदर और भी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स में से पाया जाता है पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में कि जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमें क्या क्या बेनिफिट्स करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे हेयर के बारे में। तो जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगा ग्रे हेयर को फाइट करने में। जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, विद इन 1 week आप देखेंगे कि आपके हेयर फॉल में कमी आई है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार विटामिन सी की पाई जाती है। तो ये फेयरनेस के भी काम आता है। जिनकी स्किन डल हो रही है तो वो अगर आंवले का इस्तेमाल अपनी डाइट में करें तो उनकी स्किन के अंदर ग्लो आएगी, ब्राइटनेस होगी। एक्नी और पिंपल इशू जिनको है वो दूर होगा इसको खाने से। आपको बाहर से विटामिन सी सीरम मिलता है, उसमें एडिशनली वो विटामिन सी के साथ जो है एब्जॉर्बिक एसिड डालते हैं, लेकिन आंवला के अंदर नेचुरली एब्जॉर्बिक एसिड होता है जो कि हेल्प करेगा आपकी स्किन को इवन टोन करने में। तो अगर आपको ऐसा मसला है कि आपकी स्किन इवन टोन नहीं है तो आप आंवला अपनी डाइट में जो है वो शामिल करें, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है कि जिनको अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करवाने हैं, डिटॉक्स करनी है अपनी बॉडी, तो वो आंवले का जूस जो है वो अपनी डाइट में जो है वो ज़रूर शामिल करें। इससे आपकी लेवर की फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर आंवले का हम अचार बना के यूज़ करें तो उसके अंदर एक एडिशनल बेनिफिट हमें ये मिलता है कि वो हमें उसके साथ साथ जो है प्रोबायोटिक्स भी हमारी डाइट में जो है वो शामिल हो जाएगा। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके लिए आंवला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आंवले में पाई जाती है, आंवले के अंदर पाई जाती है एंटी ग्लाइसेमिक एक्शन, जो क्या करता है, जो एकदम से हमारा ब्लड शुगर जो इस लेवल जो स्पाइक कर जाता है उसको कंट्रोल करने में वो हेल्प करता है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो आंवले का कंजप्शन अपनी डेली बेसिस में रखे। जिनका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो अपनी डाइट में जो है आंवले का इस्तेमाल रखें, ताकि उनका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो लोअर हो जाए। ये एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के मसले को भी दूर करता है कि अगर आप डाइट के दौरान या नेचुरली वीगन को कॉन्स्टिपेशन रहती है, अगर वो आंवला अपनी डाइट में शामिल करें तो उनका एसिडिटी में कमी आएगी और उनको जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो भी दूर होगा। क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है तो ये आंखों के लिए बहुत ही मुफीद है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, कोल्ड और इन्फेक्शन से जो है ये फाइट करता है। और सबसे लास्ट बात, ये हेल्प करता है फैट बर्न करने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फैट बर्न हो ड्यूरिंग दी डाइट, देखें अगर आप डाइट के बगैर वेट लूज करना चाहते हैं तो इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप डाइट के साथ आप शामिल करते हैं आंवला तो वो आपके फैट बर्निंग प्रोसेस को जो है वो इंक्रीज करेगा और आप जल्द से जल्द अपना वेट हेल्दी वे में लूज कर सकेंगे। तो ये था सारे बेनिफिट्स आंवला के। आजकल आंवला सीजन में आया हुआ है तो आप ज़रूर जाइए उसको कंज्यूम करिए और अपने बच्चों को भी दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। जाते जाते एक छोटी सी अनाउंसमेंट, शाबान और रमज़ान का प्लान जो है रजिस्टर करने में सिर्फ 2 days रह गए हैं। तो अगर आप ईद से पहले 10 kg लूज़ करना चाहते हैं तो आप ट्यूजडे से पहले पहले जो है रमज़ान और शाबान के प्लान में जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।